सलमान खान ने हर एक काम खुद किया है। सलमान बचपन से ही इंडिपेंडेंट रहे हैं। उनका मानना है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। जी हाँ, सलमान तो जेल में भी साफ सफाई का काम किया करते थे और तो और स्कूलिंग के वक्त से अपना काम किया करते थे, जिसके बारे में सलमान ने खुद खुलासा किया है। तो आइए जानते हैं कि सलमान ने साफ सफाई को लेकर और किस तरह के खुलासे किए हैं। दरअसल कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें क्लीनिंग का काम करना या टॉयलेट वगैरह साफ करना पसंद नहीं आता है, और ये बात ज्यादातर उन जगहों पर देखने को मिलती है जहां लोग कुछ मुकाम हासिल कर चुके होते हैं, और उनमें से एक जगह है बिग बॉस। बिग बॉस में भी हमेशा साफ सफाई का मुद्दा सामने आता रहा है। घर वालों के बीच कहासुनी भी हो ही जाती है। ऐसे में बिग बॉस OTT 2 के फिनाले में सलमान खान ने बिग बॉस के घर के अंदर बाथरूम साफ रखने के लिए सभी कंटेस्टेंट की तारीफ की थी। उन्होंने बताया कि बोर्डिंग स्कूल के दिनों में ही उन्हें अपना हर काम खुद ही करने की आदत थी। जेल के दिनों में भी वो अपना बाथरूम खुद ही साफ किया करते थे। बिग बॉस के घर का बाथरूम कभी भी इतना साफ नहीं दिखता था जितना बिग बॉस OTT 2 में दिखता था। उन्होंने इसे साफ रखने के लिए कंटेस्टेंट पूजा भट्ट की तारीफ करते हुए कहा था, मैंने बाथरूम साफ किए हैं। जब मैं बोर्डिंग स्कूल में रहता था, मुझे अपना काम खुद करने की आदत है, और यहाँ तक कि जेल में भी कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। वो आज जो भी है, इतने बड़े सुपरस्टार और हर काम को रिस्पेक्ट के नजरिए से देखने वाले, वो सिर्फ अपने फैमिली और अपनी माँ और बहनों की वजह से ही है। जी हाँ, सलमान ने साफ सीधे शब्दों में कहा था कि उनके करियर में सबसे बड़ा हाथ उनकी दोनों माओ और बहनों का है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यू, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए।